हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब? बढ़िया। माय सेल्फ इज़ ओम प्रकाश सारण, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एट टीम सीएलसी। और देखो बच्चों, आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के एक एक केमिस्ट्री पंच तैयार हो गए हैं। और आज अपन पंच तैयार करेंगे केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। पंच नंबर है 8। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 mL AgNO3 एंड 0.1 mL NaCl आर मिक्स टूगेदर है। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी AgNO3 प्लस NaCl आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब देखो इसमें आपको क्या दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है, और दोनों को आपको क्या लेना है, इक्वल वॉल्यूम लेना है। तो इक्वल वॉल्यूम आप कुछ भी मान लो, वी मान लो। तो देखो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं वी मान लेता हूं, तो मोलरिटी इसकी दे रखी है आपको 0.1 इज इक्वल टू एन अपॉन वी। तो नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे आपके पास, 0.1 vg। तो ये मोल किसके आ गए आपके पास, सिल्वर नाइट्रेट के। तो सिल्वर नाइट्रेट के मोल कितने, 0.1 vg। अब निकालो आप NaCl के मोल, तो NaCl के मोल ऐसे निकलेंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोलरिटी इसकी भी कितनी है, 0.1 है। वॉल्यूम इसका भी आपको सेम लेना है V, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, M इज इक्वल टू N अपॉन V। तो मोलरिटी 0.1, वॉल्यूम V, तो मोल क्या हो जाएंगे, N। तो N इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.1 vg। तो NaCl का भी क्या हो जाएगा, 0.1 vg। अब देखो आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा, ये दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, नंबर ऑफ मोल के हैं दोनों के सेम है। तो आफ्टर द रिएक्शन ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और इसके कितने बनेंगे, 0.1, और इसके भी 0.1 vg। अब देखो सिल्वर नाइट, आपको नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन इसके अंदर पूछिए, तो नाइट्रेट आयन यहां से गायब हो गया, यहां पर नाइट्रेट आयन नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर आपको नाइट्रेट आयन मिलेगा। तो आप सोडियम नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन निकाल लो, तो NaNO3 इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है, मोल है सोडियम नाइट्रेट की। तो 0.1 vg अपॉन, दोनों को मिक्स करने के बाद में टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V और V 2 vg। तो आपके पास कंसंट्रेशन क्या आएगी, 0.1 / 2 इज इक्वल टू 0.05। तो सोडियम नाइट्रेट की कंसंट्रेशन आ गई 0.05, तो नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, 0.05। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ Na इज द अवोगाड्रो नंबर, देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। तो सबसे पहले आप नाइट्राइड आयन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। तो देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p3। तो इसमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें आप क्या कहोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन अपने को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में निकालने हैं, नाइट्राइड आयन में। तो नाइट्राइड आयन में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। अब देखो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। तो सबसे पहले तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। अब देखो 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन है, तो सबसे पहले आप मोल निकालोगे। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, आपको वेट दे रखा है, तो मोल आप कैसे निकालोगे, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन उसका मोलिकुलर वेट। तो मास ऑफ द सब्सटेंस कितना दे रखा है, 4.2 ग्राम अपॉन इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, 14। तो मोल कितने आ गए आपके पास, 0.3 मोल आ गए। अब नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स कैसे निकालोगे आप, जो भी आपके पास मोल आए उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, Na से। तो 0.3 Na, ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने, 0.3 Na इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके पास, 8। तो ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2.4 Na। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
when 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 liter of Cl2 each of STP, the mole of HCl form is equal to. देखो H2 और Cl2 आपस में रिएक्शन करेंगे तब किसका फॉर्मेशन होगा, HCl का फॉर्मेशन होगा. तो H2 प्लस Cl2 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, 2HCl गैस. अब आपको क्या दे रखी है, STP की कंडीशन दे रखी है. तो 22.4 लीटर किसका दे रखा है, हाइड्रोजन का. तो इसके मोल आप निकाल सकते हो. तो मोल का क्या फॉर्मूला है, अगर आपको STP पे वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम एट STP कितना है, 22.4 अपॉन 22.4 से आप डिवाइड करोगे तो इसका मोल कितना आ जाएगा आपके पास, 1. Cl2 के मोल कितने होंगे, तो Cl2 के मोल आप निकालोगे वॉल्यूम एट NTP 11.2 अपॉन 22.4 इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 मोल. तो देखो H2 का मोल कितना आ गया, 1, और इसका मोल कितना आ गया, 1/2. तो देखो रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम कौन सा होगा, Cl2 होगा, क्योंकि H2 का एक मोल कंज्यूम होता है. तो Cl2 का कितना मोल कंज्यूम होगा, 1/2, और HCl के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे. तो 1/2 मोल से HCl के कितने मोल बन रहे हैं, 2. तो 1 मोल से कितना बनेगा, 1/2 × 2 इक्वल टू 1 मोल. तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 1 मोल ऑफ HCl. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 100 ml ऑफ 1 NaOH सॉल्यूशन एंड 10 ml ऑफ 10 N H2SO4 सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर देन रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी. देखो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, एक आपको एसिड दे रखा है और दूसरा आपको क्या दे रखा है, बेस दे रखा है. तो आप एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, बेस के ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, दोनों को मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. तो आप एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, एसिड क्या है, H2SO4. तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 10, नॉर्मलिटी 10. तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, 100 हो जाएगा. उसके बाद में आपको ग्राम इक्विवेलेंट किसके निकालने हैं, बेस की. तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. तो देखो इसकी मोलरिटी आपको 1 दे रखी है, तो आपको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना है. तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि बेस का एन फैक्टर आप कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH-N. तो 1 × 1, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100 ml दे रखा है. तो इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, 100. तो देखो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट दोनों क्या है, इक्वल. दोनों को मिक्स करोगे तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी, देख लो, 0 आ जाएगी. 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 100 + 10, तो क्या आ जाएगा, 0. इट मींस ये सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन. तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड. तो देखो ऑक्जेलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है और आपसे पूछे क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड क्या है, तो क्रिस्टलाइन का मतलब आप वाटर के मॉलिक्यूल से ऐड कर दो इसके अंदर. और इसका एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं एसिड का, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H+N. तो रिप्लेसिबल H+N कितने हैं, 2. तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2. और इसका मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा इसका, 126. तो इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालोगे, मोलिकुलर वेट अपॉन उसका एन फैक्टर. तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मोलिकुलर वेट अपॉन इसका एन फैक्टर. तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट कितना है, 126/2, तो कितना हो जाएगा, 63. तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड का, 63.
तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इफ वी कंसीडर दैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम इज टेकन टू बी द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब देखो जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का अपन एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, वो कार्बन 12 को रेफरेंस एलिमेंट मान के करते हैं। कार्बन 12 एटम को रेफरेंस मान के करते हैं कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। भाई किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो इसके रेफरेंस में वो कितना गुना भारी है वो उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। जैसे आप सपोज करो मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो इसके रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन कितना गुना भारी है, तो किसके रिस्पेक्ट में 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 है, तो इसके रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन कितना गुना भारी है, तो आप देखोगे इसके रिस्पेक्ट में कितना गुना भारी है, 14 टाइम्स है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 1/12 की जगह आप 1/6 पुट कर दो तो एलिमेंट का एटॉमिक मास, 1 मोल सब्सटेंस का एटॉमिक मास कितने से इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखो इसकी जगह आप क्या पुट करोगे, 1/6 पुट करोगे, यानी कि 1/12 की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 1/6 पुट कर दिया। तो देखो कितना गुना इंक्रीज कर दिया आपने, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो एटॉमिक मास भी किसी एलिमेंट का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, इंक्रीज 2 टाइम्स, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ml ऑफ फॉस्फीन ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन द चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि फॉस्फीन को आप डिकम्पोज करोगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो देखो फॉस्फीन को आप डिकम्पोज करो तो क्या बनेगा, फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस कर लो आप, तो कितने हाइड्रोजन है, इधर 3 है इधर 2 है, तो इसको आप क्या करोगे, 2, 3 और 2। अब देखो बैलेंस होगी, 2 फॉस्फोरस हैं, इधर भी 2 फॉस्फोरस है, इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर भी 6 हाइड्रोजन है। अब देखो आपको कितना ml दे रखा है, 100 ml, तो आप स्टाइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन में आपने पढ़ा है कि 2 मोल फॉस्फीन को आप डिकम्पोज करोगे तो बोल 2 मोल फॉस्फोरस प्लस 3 मोल किसके बनेंगे, हाइड्रोजन गैस के। तो 2 मोल फॉस्फीन को आप डिकम्पोज करोगे तो हाइड्रोजन के कितने मोल बनेंगे, 3 मोल अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री। अब अपन ml यानी कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पढ़े अपन, तो 2 ml फॉस्फीन गैस को डिकम्पोज करोगे तो 3 ml हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो 2 ml फॉस्फीन से हाइड्रोजन कितनी हो रही है, 3 ml, 1 ml से कितनी होगी हाइड्रोजन, 3/2 ml। अब आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 100 ml फॉस्फीन है तो 100 ml से कितनी हो जाएगी, 3/2 × 100, तो कितना हो जाएगी, 50, यानी कि 150 ml आ जाएगा। तो पहले आपके पास 100 ml फॉस्फीन थी, आफ्टर द रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 150 ml हो जाएगी। तो बताओ वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, पहले 100 ml थी अब 150 ml होगी, तो 50 ml वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वॉल्यूम चेंज 150 माइनस का 100, तो कितना आ जाएगा, 50 ml। 50 ml से क्या हो जाएगी, वॉल्यूम फॉस्फीन की इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैफीन एज ए मोलिकुलर वेट ऑफ 194, यानी कैफीन एक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर वेट कितना है, 194 है. इफ इट कंटेन 28.9% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन इन वन मोलिकुल ऑफ कैफीन. देखो कैफीन एक कंपाउंड है जिसके अंदर आपको क्या है, नाइट्रोजन का एटम कैलकुलेट करना है कि नाइट्रोजन के कितने एटम है इसके अंदर, जबकि नाइट्रोजन उस टोटल में कितना है, 28.9% है. तो देखो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला आपने देखा होगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट. जिस एलिमेंट का परसेंटेज दे रखा है आपको, उसी एलिमेंट का आपको यहां पे क्या पुट करना है, एटॉमिक मास अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100. अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 28.9% क्या दे रखा है, नाइट्रोजन, और इस कैफीन का मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है, 194. तो यहां पे तो आप क्या पुट करोगी, परसेंटेज कितना दे रखा है, 28.9% नाइट्रोजन. एन आपको कैलकुलेट करना है, एन क्या है उस कैफीन में, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम. तो एन इंटू एटॉमिक वेट किसका, नाइट्रोजन का, कितना होगा, 14 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड. कैफीन का मोलिकुलर वेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 194 इंटू 100. यहां से आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी, और वो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 4. जब आप इसको सोल्व करोगे तो एन की वैल्यू 4 आ गई. इट मींस क्या हुआ, इस कैफीन के अंदर नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 4 एटम है. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड टू बी कंबाइन विथ 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, देन 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंबाइन विथ 4 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम का आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है. तो देखो आप, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड टू कंबाइन विथ 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, यानी कि 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन होता है 80 ग्राम ब्रोमीन से. आगे क्या दे रखा है, 1 ग्राम कैल्शियम कंबाइन विथ 4 ग्राम ऑफ ब्रोमीन. देखो 4 ग्राम ब्रोमीन कंबाइन विथ 1 ग्राम कैल्शियम, तो 1 ग्राम ब्रोमीन कंबाइन विथ क्या होगा, 1/4 ग्राम कैल्शियम. अब आपको कितना दे रखा है, 80 ग्राम में निकालना है, तो 80 ग्राम ब्रोमीन कंबाइन विद 1/4 इंटू 80, तो कितना आ जाएगा, 20 ग्राम. तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा कैल्शियम का, 20 ग्राम हो जाएगा. तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस. देखो ट्राई एटॉमिक गैस क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3. जैसे ओजोन है, तो ओजोन की ट्राई एटॉमिक गैस है, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3. तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे ट्राई एटॉमिक गैस में, 3. अब आपको पूछा क्या, नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, नंबर ऑफ एटम पूछे तो आपको मोल दे रखे हैं. तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, मोल जो आपको कैलकुलेट करने नहीं है, गिवन है. उसके बाद में आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करोगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो मोल दे रखा है उसको एवोगैड्रो नंबर से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. तो 0.1 इंटू एन ए, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 एन ए. अब नंबर ऑफ एटम्स पूछे, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ओजोन के अंदर, ये ओजोन के ट्राई एटॉमिक गैस है, तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे ट्राई एटॉमिक गैस में, 3 होंगे. तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 0.1 एन ए. तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, 0.3 एन ए. तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, अभी तो ऑप्शन अपन पता नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अवोगाद्रो नंबर को और इंक्लूड कर रखा है. तो आपको कुछ नहीं करना है, 0.3 इंटू एन ए की जगह आप क्या पुट करोगे, 6
इंटू 10^3। देखो अवोगाद्रो नंबर को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया करो, 0.23 को आप नेग्लिजिबल कर लिया करो ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 1.8 × 10^23। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, देखो इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है नीट के अंदर। किस स्थिति में जल के अणु की संख्या क्या होगी, अधिकतम होगी। तो देखो सबसे पहले आप मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप प्रत्येक ऑप्शन के अंदर मोल निकालोगे, और इसके अंदर मोल निकालोगे सबसे पहले में। तो देखो 18 ml ऑफ वाटर, तो देखो सबसे पहले क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है आपको। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, D = 1 g/ml। ये वाटर की डेंसिटी है जो आपको क्या करनी है, हमेशा याद रखनी है। वॉल्यूम कितना दे रखा है वाटर का, 18 ml। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1 g/ml मास। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, 18 ml। तो ml से ml क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मास कितना आ गया, 18 g। अब मोल कैसे निकालोगे आप, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन इसका मोलिकुलर वेट। तो 18 g गिवन है, मोलिकुलर वेट कितना हो गया वाटर का, 18। तो कितना मोल आ गया, 1 mole। तो इसके अंदर कितना मोल आ जाएगा आपके पास, 1 mole आ जाएगा। सेकेंड में देखो आप 0.18 g ऑफ वाटर, तो सीधा देखो ग्राम में दे रखा आपको, तो इसमें आप मोल कैसे निकालोगे, तो मोल इक्वल टू वेट कितना दे रखा है, 0.18 अपॉन वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 18। तो मोल कितना आ जाएगा, 0.01। थर्ड ऑप्शन है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 atm और 273 kelvin। देखो ये क्या होती है, एनटीपी की कंडीशन होती है, और इस केस में आप मोल कैसे निकालोगे, तो उस केस में आप मोल निकालोगे वॉल्यूम एट एनटीपी। तो वॉल्यूम एट एनटीपी आपको कितना दे रखा है, 0.00224 अपॉन नीचे किससे डिवाइड करोगे आप, 22.4 से। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 10^-4। तो इसमें मोल कितने आ जाएंगे, 10^-4 मोल आ जाएंगे। फोर्थ इसमें मोल सीधे आपको कैलकुलेट ऑलरेडी दे रखे हैं। तो देखो जिसमें मोल ज्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैसे निकालोगे, मोल इनटू एनएसी, और एनएसएम में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जिसकी ज्यादा मोल होंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। तो देखो सबसे पहले वाले में मोल कितना दे रखा आपको, 1 mole। सेकेंड वाले में मोल कितना है, 0.01 mole। थर्ड वाले में मोल कितना है, 10^-4 mole। और फोर्थ वाले में मोल कितना है, 10^-3 mole। तो सबसे ज्यादा मोल किस में, फर्स्ट में। तो मोल ज्यादा तो क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 2 mole ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। तो देखो सोडियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na4FeCN6। तो देखो इस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं सोडियम के, 4 atom है। और आपको क्या पूछे, नंबर ऑफ सोडियम एटम 2 mole ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड, यानी 2 mole ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड के अंदर आपको क्या कैलकुलेट करने हैं, सोडियम के एटम कैलकुलेट करने हैं। तो देखो मोल कितने दे रखे हैं, 2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कैसे कैलकुलेट करोगे आप, Na से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ भी नहीं करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको सीधा मोल को Na से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 Na हो जाएगा। अब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो एटम कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, 4 × 2 Na, यानी ये क्या हो जाएंगे, 8 Na। लेकिन देखो ऑप्शन के अंदर आपको क्या है,
Na को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ऑप्शन आपके पास आएगा. तो एट और अवोगाड्रो वैल्यू क्या होती है, 6 × 10³ तो ये हो जाएगा 48 × 10³ तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 ml ऑफ वॉटर कंटेन 20 ड्रॉप, यानी कि 1 ml वॉटर है वो 20 ड्रॉप रखता है, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए ड्रॉप ऑफ वॉटर. तो एक ड्रॉप के अंदर, एक ड्रॉप जल के अंदर अणु की संख्या आपसे पूछी है. तो सबसे पहले आप देखो निकालो, देखो 1 mole इज इक्वल टू क्या होता है, 6.023 × 10³ पार्टिकल्स. और अगर एनटीपी की बात करें तो कितना होगा, 22.4 लीटर एट एनटीपी. तो आप सबसे पहले 1 ml के अंदर आप क्या निकालो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो. तो इसको अगर मैं वॉल्यूम में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा, 22,400 ml एट एनटीपी. तो 22,400 ml में कितने पार्टिकल्स हैं, अवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स हैं. 22,400 ml में पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.023 × 10³ पार्टिकल्स में क्या आ जाते हैं, एटम भी आ जाता है, मॉलिक्यूल्स भी आ जाता है, आयन भी आ जाता है. तो 1 ml में कितने होंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 × 10³ ताकि कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो जाए. तो 1 ml में कितने होंगे, 22,400 में कितने Na के बराबर मॉलिक्यूल्स, तो 1 ml में कितने होंगे, इसमें डिवाइड कर दोगे आप किसका, 22.4 ml. अब देखो 1 ml के अंदर कितने, 20 ड्रॉप, और 1 ml के अंदर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए, 6 × 10³ / 22,400. इसको आप किसके बराबर पुट कर दो, 20 ड्रॉप के अंदर. अब आपको एक ड्रॉप के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर मॉलिक्यूल्स इन वन ड्रॉप. तो देखो 20 ड्रॉप में इतने मॉलिक्यूल्स है, तो वन ड्रॉप में क्या होगा, तो 20 से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो. तो 6 × 10³ / 22,400 × 20. तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएंगे, 10³ / 23 इधर है, 10³ / 3, तो 10³ कितना रह जाएगा, 20. तो क्या आ जाजाएगा, 6 × 10³ / 20 / नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 448. अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 10³ / 18 पुट कर दो इधर, तो ये कितना आ जाएगा, 600 / कितना आ जाएगा, 448. तो ये 1 point कुछ आएगा, तो 1 point × 10³ / 18, तो 10³ / 18 किस में, सिर्फ थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम इन S4O6 2- फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिस्पेक्टिवली आर, यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर आप बाएं से दाएं जाने पर सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा. तो देखो आप स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो आपको लेफ्ट टू राइट सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, -2, सल्फर पे क्या आएगा, +2, डबल बॉन्ड है तो +2 आएगा. अब देखो इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे क्या आएगा, +1. इस बॉन्ड की वजह से भी क्या होगा, ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2, लेकिन इस बॉन्ड में क्या होगा, सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसकी वजह से क्या आएगा, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0. तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया यहां पे, +5. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सल्फर में क्या है, दोनों साइड सल्फर अटैच है, तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0. जैसे इसमें निकाला वैसे भी ये सल्फर क्या है, दोनों सल्फर के साथ अटैचमेंट में है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इस पे भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, 0.
अब इस लास्ट वाले पे आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो जैसे इसमें निकाला वैसे इसमें क्या निकल जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। इस पर माइनस टू, इस पर प्लस टू, इस पर माइनस टू, इस पर प्लस टू, इसकी वजह से इस पर क्या आ जाएगा, जीरो। और ऑक्सीजन की वजह से इस पर माइनस वन, इस पर प्लस वन। तो इस सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, प्लस का फाइव। तो देखो कौन सा, इस पर प्लस फाइव है, इस पर जीरो, इस पर जीरो, इस पर प्लस फाइव। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है। द रेस्ट मास ऑफ वन मोल ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि एक मोल न्यूट्रॉन का आपको रेस्ट मास कैलकुलेट करना है। तो देखो न्यूट्रॉन का मास कितना दे रखा है आपको, 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस का 27। तो ये तो आपको एक न्यूट्रॉन का मास दे रखा है, तो एक मोल न्यूट्रॉन का मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अवोगाद्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, तो देखो ये तो क्या है, एक मास का, एक न्यूट्रॉन का मास है 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस का 27। तो एक मोल का कितना होगा, मास ऑफ वन मोल न्यूट्रॉन। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस डिजिट को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 आ जाएगी, इंटू 10 की पावर माइनस का 4। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगी, 1 point something इंटू 10 की पावर माइनस का 3 किलोग्राम। ये आ जाएगा मास ऑफ वन मोल न्यूट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी एक मोलिक्यूल वाटर कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें देखो वाटर की डेंसिटी आपको दे रखी है, कई क्वेश्चन में वाटर की डेंसिटी नहीं दे रखी है तो आपको याद होनी चाहिए वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो D इज इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन वी। अब देखो डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर का मास कितना होता है, 18 ग्राम अपॉन वॉल्यूम, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा वाटर का 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो एन ए मोलिक्यूल्स है, यानी अवोगाड्रो संख्या के बराबर मोलिक्यूल्स है, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो एन ए मोलिक्यूल्स ऑक्यूपाई 18 सेंटीमीटर क्यूब। ये एन ए मोलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं वॉल्यूम। तो एक मोलिक्यूल्स कितना करेगा, वन मोलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द वॉल्यूम इज इक्वल टू 18 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23। देखो नीचे एन ए सी डिवाइड होगा, उस एन ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, तो 6 का 18 में कितनी बार जाएगा, 3 times। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 23 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, KMnO4 रिएक्ट विथ ऑक्जेलिक एसिड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, यानी KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके, ये रिएक्शन है देखो, आपको रिएक्शन दे रखी है, ये 20 ml ऑफ 0.1 m KMnO4 इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि ये इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस रिएक्शन के अंदर आप n फैक्टर निकालोगे। तो देखो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने, यानी कि इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है कि नहीं है। तो देखो इसमें सबसे पहले आप रिएक्शन देखो, इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, प्लस का 7। यह है ऑक्जिलेटाइन,
तो देखो मैंगनीज अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो दूसरे किसी कंपाउंड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये MnO4-1 किस में जा रहा है, Mn+2 में जा रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, N=5। अब देखो दूसरा कंपाउंड क्या है, ऑक्सिलेटाइन है, ये किस में जा रहा है, CO2 में। तो ऑक्सिलेटाइन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो आपको सबको कैलकुलेट करना आता है, यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, प्लस का 3, और यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, प्लस का 4। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जब आप चेंज निकालते हो वो पर एटम में मत निकाला करो, पर मॉलिक्यूल निकाला करो। तो पर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 × 2। कितने कार्बन के एटम है, 2, तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चेंज हो रहे हैं वो कितने है, 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे किसी भी रिएक्शन के अंदर, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से। तो KMnO4 के आपने निकाल लिए कितने, 5, ऑक्सिलेटाइन के निकाले कितने, 2। तो ये इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर होंगे, तो सबसे पहले आप KMnO4 की ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम के। तो देखो नॉर्मलिटी आपको दे नहीं रखी है, मोलरिटी दे रखी है, तो 0.1 ये तो होगी मोलरिटी, और इसका एन फैक्टर कितना होगा, तो एन फैक्टर अपने निकाले कितना होगा, 5, तो 0.1 × 5। इसके अंदर वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, 20 ml वॉल्यूम दे रखा है, इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो ऑक्सैलिक एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट इन चारों ऑप्शन में दे रखे हैं, वो KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आएंगे, तो ऑक्सैलिक एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो आप, एन फैक्टर आपको पता है। तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू, तो देखो इसकी मोलरिटी आपको 0.5 दे रखी है, तो इसको आप नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करोगे, और नॉर्मलिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे, नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, तो आपके पास मोलरिटी 0.5 दे रखी है, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, इनटू वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है, 20 ml दे रखा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो पॉइंट कटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 10, ये कितनी बार जाएगा, 2 × 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, 20। तो देखो दोनों के मैच हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, तो पहला ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन अपन चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या है, 50 ml ऑफ 0.1 m ऑक्सैलिक एसिड, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू, तो देखो इसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है आपको, 0.1, तो 0.1 इंटू इसका n फैक्टर कितना है, अभी निकाला था, 2, इंटू वॉल्यूम कितना है, 50 ml, इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे, 10। तो देखो ऑक्सैलिक एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट 10 है, और KMnO4 के भी ग्राम इक्विवेलेंट निकाले थे वो भी कितने थे, 10, तो किसके समान आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन के समान आ जाएगा, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपाउंड कंटेन एटम ऑफ 3 एलिमेंट इन ए बी एंड सी, इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए इज +2, बी इज +5 एंड दैट ऑफ सी इज -2, द पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो देखो ये एक एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन नंबर की, कि किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर का एडिशन हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, KMnO4, इस KMnO4 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर को आप ऐड करोगे तो हमेशा 0 के बराबर आएगी। जैसे पोटेशियम है, फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करता, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +7। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। KMnO4 कंपाउंड में ऑक्सीजन का कितना होगा, -2। इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर का जब आप एडिशन करोगे तो 0 के बराबर आएगा। तो पोटेशियम का +1, मैंगनीज का +7,
और एक ऑक्सीजन पे माइनस टू है तो चार पे कितना होगा माइनस का एट। तो देखो एट में से एट आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा जीरो। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन में आपको कंपाउंड दे रखे हैं चारों ऑप्शन में और ऑक्सीडेशन नंबर को आपको पुट करना है कि इसमें जीरो के बराबर आएगा, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं पहले को चेक करता हूँ। तो देखो ए थ्री है तो ए का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दे रखा है प्लस का टू, तो तीन का क्या होगा प्लस टू इंटू थ्री। आगे दे रखा है देखो इसके अंदर बी टू हो जाएगा सी एट हो जाएगा, तो बी का कितना दे रखा है आपको प्लस का फाइव, तो प्लस फाइव इंटू टू। आगे दे रखा है देखो कार्बन के कितने एटम हो जाएंगे एट एटम हो जाएंगे, तो कार्बन का कितना है माइनस का टू, तो माइनस का टू इंटू एट। इन सबको आप ऐड करो तो क्या है जीरो के बराबर आ रहा है, तो देखो सिक्स प्लस टेन माइनस का सिक्सटीन, तो किसके बराबर आ जाएगा जीरो के बराबर। तो जितने भी एलिमेंट है इनमें आपने ऑक्सीडेशन नंबर पुट कर दिए तो किसके बराबर आए जीरो के बराबर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन अपन क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो देखो 19 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो आप। 20 ग्राम ऑफ ए मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डीकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैंगनीज ऑक्साइड, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। तो देखो ये आपको क्या दे रखा है मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक सैंपल दे रखा है, ये प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं, मैग्नीशियम कार्बोनेट का सैंपल दे रखा है जिसमें 20 ग्राम क्या है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ क्या है इंप्यूरिटीज भी इसमें। तो सबसे पहले आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करो, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप जब हीट करोगे तो क्या रिलीज होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, और इसको जब डिकम्पोज करोगे तो कितने ग्राम आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा 8 ग्राम मिलेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना ग्राम मिल गया आपको 8 ग्राम मिल गया। तो इसके मोल निकालो आप, तो मोल कितने होंगे इसके, तो मोल को कैसे कैलकुलेट करोगे इसका वेट अपॉन मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलिकुलर वेट, तो मैग्नीशियम का कितना होता है 24 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 14, तो मोल आगे 1/5। अब इसके मोल से इसके मोल निकालो आप, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल कितने होंगे, जितने मोल इसके होंगे उतने मोल किसके होंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट के होंगे, क्योंकि स्टाइक्योमेट्री आपको ध्यान रखनी है कि एक मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप डिकम्पोज करते हो तो एक मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एक मोल CO2 का फॉर्मेशन होगा, तो जितने मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड के हैं उतने मोल कितने किसके होंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट के, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल कितने होंगे 1/5। अब इसका आपको मास कैलकुलेट करना है, तो मोल बराबर क्या होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो इसका वेट आपको अगर निकालना है तो आप क्या करोगे मैग्नीशियम कार्बोनेट को का जो मोलिकुलर वेट है उसको आप मोल से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा मैग्नीशियम का 24, कार्बन का क्या होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा 84। तो वेट कितना हो जाएगा देखो करो इसको कैलकुलेट, तो 16.8 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली इसका क्या आ जाएगा वेट हो जाएगा, किसका मैग्नीशियम कार्बोनेट का। इट मीन्स के 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो सैंपल है उसमें 16.8 ग्राम ही क्या है मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो परसेंटेज प्यूरिटी आप कैसे निकालोगे, तो परसेंटेज प्यूरिटी इक्वल टू क्या होता है जो आपने मास कैलकुलेट किया है वो आप ऊपर पुट करोगे, तो ऊपर कितना आएगा 16.8 और नीचे जो सैंपल का मास है वो कितना है 20 ग्राम इंटू 100, तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 84% आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इन द रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है आपको, इसके अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है किसका
फोस्फोरिक एसिड का। तो देखो अगर सिंपल फोस्फोरिक एसिड का आपको कुछ रिएक्शन विएक्शन नहीं दे रही कि सिंपल इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो एन फैक्टर कितना होगा इसका, 3 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन कैसे नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन को आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन ये किस में दे रखा है, रिएक्शन के अंदर आपको दे रखा है। तो देखो यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और रिएक्शन होने के बाद में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो बताओ कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, तो एक हाइड्रोजन क्या हो गया यहां पे, रिप्लेस हो गया। तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा इस रिएक्शन के अंदर, 1 हो जाएगा। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर, वी नो दैट इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मोलिकुलर वेट कितना होता है फॉस्फोरिक एसिड का, तो इसका मोलिकुलर वेट हो गया 3 + 31 + 16 × 4, तो ये 98 हो जाएगा। तो 98/1, तो ये कितना हो जाएगा, 98। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड का, 98। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ 10 ml m/10 FeSO4 वाज टाइट्रेट विथ KNO4 सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम, द अमाउंट ऑफ KNO4 यूज, यानी कि KNO4 की आपको अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या, ये टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो रिड्यूसिंग एजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट के क्या करोगे आप, बराबर करोगे। तो आपको क्या दे रखा है, फेरस सल्फेट दे रखा है, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट एसिडिक मीडियम में किसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। तो देखो KNO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता, तो हमेशा याद रखना KNO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होगा, 5, और न्यूट्रल मीडियम में कितना होता है, 3, और एल्कलीन मीडियम में कितना होता है, 1। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5। तो सबसे पहले आप 10 ml m/10 FeSO4 सॉल्यूशन है उसका आप क्या कैलकुलेट करो, ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। तो देखो सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखो, तो KNO4 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि मैंगनीज क्या होता है, अपनी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो फेरस सल्फेट है, इसको ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो ये खुद किस में, Mn+2 में रिड्यूस हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, और इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो Fe+3। तो यहाँ पे देखो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, तो +7 से +2 में जाओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो आपको इसके अंदर एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। तो एन फैक्टर कैसे निकालोगे, रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से, तो +7 से +2 में जाओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, और यहाँ पे फेरस सल्फेट में आयरन का कितना है, Fe+2, तो +2 से +3 में जाओगे तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे एन फैक्टर 5 और यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। तो आपको इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं और ये चेक करना है ये किसके बराबर होगा। तो देखो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर अभी बताया था मैंने नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ml में पुट कर दो क्योंकि ऑप्शन में भी आपको क्या दे रखा है, ml में दे रखा है। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी, तो मोलरिटी कितनी है, m/10। एन फैक्टर कितना होता है, अभी अपन ने कैलकुलेट किया है कितना, 1, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 10, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका ग्राम इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब KNO4 के आप ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो ऑप्शन से, तो पहले ऑप्शन से अपन KNO4 के ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट किसके होंगे, KNO4 के, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KNO4। तो देखो वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका, 5,
तो मोलरिटी 0.1, एन फैक्टर कितना होता है केवन फोर का 5, अभी कैलकुलेट किया है, और वॉल्यूम कितना है 5, तो 5 × 5 कितना होगा 25, यानी 2.5 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, जो इसके साथ इसके इक्वल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखो, 10 ml ऑफ 1.1 m, तो देखो इसमें कितना हो जाएगा 1.1 × 5 × 10, तो ये भी क्या होगा 1 के बराबर नहीं आ सकता। थर्ड देखो, ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे 0.5 × 5 × 10, तो ये कितना हो जाएगा 25, तो ये भी क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 1 के बराबर आना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन देखो, मोलरिटी कितनी है 0.02 × एन फैक्टर कितना है 5 × 10, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 50 × 2/100, इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट, तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट आए 1 ग्राम इक्विवेलेंट आए, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 22, द परसेंटेज ऑफ P2O5 इन डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इन डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में P2O5 का कितना परसेंटेज है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, P2O5 को आपको ऑब्टेन करना है, तो किससे ऑब्टेन होगा, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट से। तो देखो ये P2O5 आपको फॉस्फोरस कितने 2, तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, तो एक बार आप मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो ये कितना हो जाएगा 142 ग्राम, और इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो ये लगभग आएगा 264 ग्राम। तो परसेंटेज निकालना किसका, P2O5 का, तो परसेंटेज ऑफ P2O5, तो किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट या एटम का परसेंटेज निकालना है, तो जैसे P2O5 का परसेंटेज निकालना है, तो इसको आप ऊपर पुट करो 142, और नीचे किसका, इसका मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का, तो ये कितना हो जाएगा 264 × 100, इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा 53.78, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इन द कॉम्प्लेक्स विथ फॉर्मूला MCl3.4H2 द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल M इज 6, यानी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखना है 6, एंड देयर इज नो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन इन इट, यानी आपको बाहर वाटर का एक भी मॉलिक्यूल नहीं रखना है। द वॉल्यूम ऑफ 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन नीडेड टू प्रिसिपिटेट द फ्री क्लोराइड आयन इन 200 ml ऑफ 0.01 m सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां तक इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, कॉम्प्लेक्स दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना पुट करना है 6, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा M, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है, तो वाटर का मॉलिक्यूल्स आपको पूरे लेने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर आप रख नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दे नहीं रखा है, ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, द वॉल्यूम ऑफ 0.01 m सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवानी पड़ेगी, तो इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स को मैं ना लिख के सिर्फ कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, तो अब डाटा देखो आप पीछे, द वॉल्यूम ऑफ 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट, यानी इसका आपको वॉल्यूम क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.1 m, वॉल्यूम VML मान लेता हूं मैं, ये आपको कैलकुलेट करना है, और ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है इस कॉम्प्लेक्स की मोलरिटी दे रखी है 0.01 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 200 ml दे रखा है। अब देखो आप दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स
उस कॉम्प्लेक्स के ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो आपको मोलरिटी दे रखी है, तो ग्राम इक्विवेलेंट में आप नॉर्मलिटी कैलकुलेट करोगे। तो नॉर्मलिटी इसका एन फैक्टर कितना होता है, वन हो गया इसका एन फैक्टर, तो 0.1 इंटू वन। वॉल्यूम कितना है, VML जो आपको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू, इसके अंदर आपकी नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, ये तो आपको मोलरिटी दे रखी है, तो 0.01 इंटू एन फैक्टर वन इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है, 200। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0.1, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 200 इंटू 0.1, तो कितना आ जाएगा, 20 ml। यानी सिल्वर नाइट्रेट का कितना वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड होगा, तो 20 ml आपको इसके अंदर क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल ऑफ फेरस सल्फेट इन एसिडिक मीडियम। तो देखो ये रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्वेश्चन। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपको बराबर करने, क्योंकि आपको फेरस सल्फेट के मोल दे रखे हैं और एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के आपको मोल पूछे हैं। तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन करो इसके अंदर। पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या फॉर्मूला होता है, K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। फेरस सल्फेट, देखो एक तो होता फेरस, एक होता फेरिक। तो फेरस के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, प्लस का 2, और फेरिक के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, प्लस का 3। तो ये क्या है, देखो इसके अंदर क्रोमियम है, वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सबको निकालनी आती है, कितनी होती है, प्लस 6, और एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा, 2 chromium + 3। तो एसिडिक मीडियम में किस में जाएगा, क्रोमियम प्लस 3 में जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो इसका एन फैक्टर निकाल लो आप। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो आप पर एटम कभी भी इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं निकालोगे, पर मोलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का चेंज निकालोगे। तो K2Cr2O7 में कितने क्रोमियम है, 2। एक क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 3 का। तो 2 क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, 6 का। तो एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। और ये FeSO4 किस में जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो खुद तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये किस में जाएगा, Fe+3 में जाएगा। तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, देखो +2 से +3 में जा रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, रिएक्शन करवाओगे, उससे आपको एन फैक्टर का पता लग जाएगा, क्योंकि एन फैक्टर आपको क्या है, रिक्वायर्ड है। तो एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट का आपको मोल कैलकुलेट करना है, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। तो ग्राम इक्विवेलेंट आप जब बराबर करोगे, तो दोनों साइड आप लिखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम के भी बराबर होते हैं, या फिर मोल इनटू एन फैक्टर भी आप इसको लिख सकते हो। तो मोल इनटू एन फैक्टर, और यहां भी आप क्या लिख दो, FeSO4 के मोल इनटू इसका एन फैक्टर। अब देखो आपको K2Cr2O7 के आपको क्या कैलकुलेट करने, मोल कैलकुलेट करने। तो यहां पे तो आपको मोल कैलकुलेट करने हैं, तो मोल की जगह मोल, एन फैक्टर कितना होता है K2Cr2O7 में, 6 होता है, इज इक्वल टू इसके मोल आपको क्वेश्चन में देखो गिवन है, बैक कर लेते हैं एक बार। सॉरी, इसके अंदर आपको किसके मोल पूछे हैं, फेरस सल्फेट के मोल पूछे हैं। तो ये मोल आपको गिवन है, कितने किस समय दे रखे हैं, 1 mole इसके अंदर दे रखा है। तो यहां पे आप क्या मोल पुट करोगे, 1, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6, और इसके मोल आपको कैलकुलेट करने इनटू एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 1। तो फेरस सल्फेट के मोल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, 6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन 4NH3+5O2 आपस में रिएक्ट करके NO के 4 mole बना रहे हैं और H2O के 6 mole बना रहे हैं। When 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 are made to react to
कंप्लीशन। जब एक मोल अमोनिया और एक मोल ओटो आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेगा, दोनों के मोल गिवन है कितने, इसका मोल कितना दे रखा है अमोनिया का 1 और इस O2 का मोल भी कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर 1 दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट का आइडेंटिफिकेशन करोगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट आप कैसे निकालते हो, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू होता है गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट बराबर क्या होता है, गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट। तो देखो अमोनिया के मोल कितने हैं इसके अंदर, अमोनिया का मोल दे रखा है 1, तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे आप, 1 गिवन मोल है अमोनिया की और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1/4 और O2 के गिवन मोल कितना है 1 और आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालने हैं तो 1/5। अब देखो आप इसके अंदर सबसे कम कौन सा है, जो सबसे कम होगा किसी रिएक्शन के अंदर वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये है कितना 0.2, ये है 0.2 और ये है 0.25। तो देखो कम कौन सा है, 0.2 का मैं 0.25 से, इट मींस क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो एक बार रिएक्शन को अपन लिख लेते हैं, 4NH3 प्लस 5O2 से 4NO प्लस 6H2। तो देखो O2 क्या हो गया, आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसके मोल भी 1 गिवन है, इसके मोल भी 1 गिवन है। तो देखो प्रोडक्ट के मोल आप किसके अकॉर्डिंग निकालोगे, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग निकालोगे। तो देखो 5 मोल O2 से NO के कितने मोल बन रहे हैं, 4, तो एक मोल से कितने बनेंगे 4/5 × 1, तो ये हो गया 0.8 मोल। ऐसे आप H2O के मोल निकालोगे तो 5 मोल से कितने मोल बन रहे हैं 6, तो एक मोल से कितना होंगे 6/5, यानी कितना बनेगा 1.2 मोल। ठीक है, अब देखो आप ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन है 0.1 मोल ऑफ H2O इज प्रोड्यूस, क्या H2O का 0.1 मोल बन रहा है, नहीं बन रहा है, 1.2 मोल बन रहा है, इट मींस ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ NO, NO का 1 मोल बन रहा है, नहीं बन रहा, कितना मोल बन रहा है, तो फिर 0.8, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। थर्ड, ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम, यानी कि पूरी ऑक्सीजन क्या होगी, कंज्यूम होगी, कंज्यूम होनी थी क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, तो आफ्टर द रिएक्शन ऑक्सीजन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो बच कौन जाएगा, अमोनिया, ऑल द अमोनिया विल बी कंज्यूम, तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज सर्विंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी इसमें आपको अपचायक का पता करना है कि कौन सा अपचायक है। तो देखो ऑक्सीकारक और अपचायक आप कैसे पता करते हो, तो ऑक्सीकारक क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में अगर सेंट्रल एटम अपनी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो आप रिएक्शन में ये है Cr2O7-2, पोटेशियम डाइक्रोमेट का आयन है Cr2O7-2, तो यहाँ पे क्रोमियम है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +6, और ग्रुप में भी कितना हो जा होता है +6, यानी क्रोमियम अपनी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो दूसरा है वो अपने आप ही किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, एक तरीका तो ये है चेक करने का, क्योंकि निकल अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। दूसरा आप रिएक्शन देख के पता कर सकते हो, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है और यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 है, तो देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये रिएक्टेंट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा।
सेकेंड निकल किस में जा रहा है, निकल प्लस टू में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, तो ये किसकी तरह, इसका रिएक्टेंट किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो दोनों तरीके से आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, निकल हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2O2 प्लस ओजोन रिएक्शन करके H2O प्लस 2O2 बना रहे, और यहाँ H2O2 प्लस Ag2O, 2Ag प्लस H2 प्लस O2। तो इसके अंदर आपको क्या पूछा है कि रोल ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड इन द अबव रिएक्शन इज रिस्पेक्टिवली, यानी हाइड्रोजन परोक्साइड का इसके अंदर क्या रोल है। तो देखो H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना ऑक्सीजन का, -2, तो -1 से किस में जा रहा है, -2 के अंदर जा रहा है। तो बताओ रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, और तो इसका रिएक्टेंट किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे H2O2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ये तो फर्स्ट में हो गया। तो जो स्मार्ट बच्चे हैं वो क्या करेंगे, ये पहला और फोर्थ ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि फर्स्ट इसमें रिड्यूसिंग है, इसमें भी फर्स्ट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन दो दे रखे, तो अपने को सेकंड रिएक्शन भी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, -1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 0, तो -1 से 0 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, -1 0, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे H2O2 क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, और फर्स्ट में क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन Cl2 गैस रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंज फ्रॉम, यानी कि क्लोरीन है वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं अपन, क्लोरीन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, सोडियम क्लोराइड प्लस NaClO3 प्लस 3H2, इसको बैलेंस कर लो, ये इसके प्रोडक्ट होंगे। और तो देखो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0, और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, Na पे क्या आएगा, +1, आयनिक कंपाउंड है तो क्लोरीन पे क्या आएगा, -1। इसके अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सबको निकालना आता है, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +5। तो 0 से -1 में और 0 से क्या आ रहा है, +5 में। तो अब ऑप्शन देख लो आप, 0 to -1 एंड 0 to +5, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, काफी सिंपल क्वेश्चन। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O8 H2S2O4 H2S2O6 रिस्पेक्टिवली, यानी इन कंपाउंड में आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला कंपाउंड है H2S2O8, इसके अंदर अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअल मेथड से निकालोगे, जैसे कि आप निकालते हो तो चेक करो कितना है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 इंटू कितने हाइड्रोजन है, 2। सल्फर का आपको कैलकुलेट करना है, तो सल्फर का आपको क्या मानना है, x, 2 सल्फर है तो 2x, ऑक्सीजन का -2, तो -2 × 18 कितना हो जाएगा, -16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो 2x इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +7। अब देखो इस कंपाउंड के अंदर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +7 आ रहा है, जो कि क्या है, गलत, क्योंकि ग्रुप नंबर से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। सल्फर का कौन सा ग्रुप है, 16 ग्रुप, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो आप किससे देखोगे, इसकी स्ट्रक्चर से देखोगे, तो अपन देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 सल्फर है
तो आप क्या करोगे, दो ऑक्सीजन बीच में एक परोक्साइड बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड ऊपर डबल बॉन्ड नीचे, OH और OH। ये स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए, तो तीन चार कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चर आप याद कर लेना। तो देखो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखो आप, तो देखो सल्फर और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सल्फर से क्या है, ज़्यादा है। तो डबल बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे क्या आएगा, -2, सल्फर पे क्या आएगा, +2। ये तो इस बॉन्ड की वजह से हो गया, नीचे वाली बॉन्ड की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2। तो डबल बॉन्ड क्लियर हो गया। अब सिंगल बॉन्ड, देखो सल्फर है, इस साइड भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, उस साइड भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, और वी नो दैट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन पे -1 और यहाँ पे सल्फर पे +1, इस बॉन्ड की वजह से, इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1। अब आप काउंट करो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6, और सही भी है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देखो आगे वाले दो कंपाउंड आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शन देखो, पहले में +3 है, दूसरे में +5 है, थर्ड में +6 है, तो ऑप्शन तो थर्ड ही जाएगा, लेकिन यहाँ अपन क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। एग्जाम में आपको स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं करना है। तो देखो सेकंड देखो आप, यूजुअल मेथड से कर लो इसको, आ जाएगा तो 2+ सल्फर कितने, 2, तो 2x, ऑक्सीजन पे -2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो देखो 6 अगले का कितना आ गया, 3। अगला है S2O6, तो यहाँ पे सल्फर का निकालना है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन, तो 2+ सल्फर का x मान लो, तो 2 सल्फर है, तो 2x, ऑक्सीजन का -2 × 6 कितना हो जाएगा, -12 है, इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो देखो इस कंपाउंड में सल्फर का कितना है, 6, जो स्ट्रक्चर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअल मेथड से क्या जा रहा था, इसका +7 जा रहा था, तो आप इसकी स्ट्रक्चर याद कर लो। सेकंड में कितना है, +3, और थर्ड में कितना है, +5, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऑक्सीडेशन नंबर पे, काफी आसान क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन, इन सब में आयोडीन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो यूजुअल मेथड से निकल जाएगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में IO3-1 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करें, तो जिसका आपको कैलकुलेट करना है उसको आप क्या मानो, एक्स। तो पहला कंपाउंड है IO3-1, तो आयोडीन को एक्स मान लो आप, ऑक्सीजन पर क्या होता है -2, तो एक्स -2 कितने ऑक्सीजन है, 3, और जो चार्ज दे रखा है वो हमेशा आप इक्वल के आगे पुट करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -1, ये -6 उधर जाएगा, तो +6, तो कितना हो जाएगा, +5। तो इस कंपाउंड में जो आयोडीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +5। अब देखो आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले का इसमें -1 दे रखा है, इसमें +3 दे रखा है, इसमें +5 दे रखा है, इसका इट मीन्स थर्ड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। लेकिन अभी तो अपने पास टाइम है, तो इसको आगे अपन सोल्व कर लेते हैं। IO4-1, यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो आयोडीन को आप क्या मानोगे, एक्स, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 चार्ज, तो चार पे कितना होगा, -8, और चार्ज को हमेशा इक्वल के आगे पुट करोगे, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो आगे आप क्या पुट करोगे, 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +7। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +7। थर्ड क्या है, KI, तो इसको आप आयनाइज कर लो, K+ और I-1, तो इस पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1, और I2 क्या, फ्री मॉलिक्यूल्स है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, तो क्वेश्चन 30 तक सोल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जितने भी ये ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैलकुलेट करना है, तो आप प्रत्येक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो देखो ऑक्सीफ्लोराइड है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2, क्योंकि इसमें फ्लोरिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, +2। KO2 है, तो यहाँ देखो क्या होगा, KO2 में पोटेशियम पे +1, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, -1, तो O2-1 के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, -1/2। तो KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। ओजोन है,
ओजोन फ्री मोलिकुल्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जीरो। एक कंपाउंड और बच गया, बेरियम ऑक्साइड BaO2। तो देखो बेरियम पे क्या आ जाएगा, प्लस टू आएगा क्योंकि सेकंड ए ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस का टू। तो दो ऑक्सीजन पे माइनस टू है तो एक ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस वन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? माइनस का वन। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आपको अरेंज करना है। तो देखो सबसे ज्यादा किसका होगा? OF2 का, उसके बाद में किसका होगा? ओजोन का, उसके बाद में किसका होगा? KO2 का, और उसके बाद में बेरियम ऑक्साइड। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो देखो ये रिएक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, और इससे बहुत से बार क्वेश्चन भी आते हैं नीट और JEE के अंदर। तो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो, ऐसी रिएक्शंस को आप क्या करोगे? डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहोगे। तो अपन चेक कर लेते हैं। देखो पहले में कॉपर प्लस वन है, ये किस में जा रहा है? प्लस टू में। तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। प्लस वन से किस में जा रहा है? जीरो में। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शंस को क्या कहोगे आप? डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहोगे। सेकंड देखो यहाँ पे मैंगनीज क्या है? प्लस सिक्स में। प्लस सिक्स से किस में जा रहा है? प्लस फोर में जा रहा है। तो देखो इसके अंदर क्या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन इस एलिमेंट का कहीं भी नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये रेडॉक्स ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं है। इसके अंदर भी देख सकते हो आप मैंगनीज क्या है? प्लस सेवन में। प्लस सेवन से किस में जा रहा है? ये प्लस सिक्स में जा रहा है और प्लस फोर में जा रहा है। तो देखो इसके अंदर दोनों में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों में क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये भी क्या होगा? डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं होगी। फिर लास्ट में टू एम एन फोर माइनस वन, Mn प्लस टू से MnO2। तो यहाँ पे प्लस सेवन से प्लस फोर, ये प्लस टू से प्लस फोर, ये तो प्लस टू से प्लस फोर में जा रहा है, तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं है क्योंकि रिएक्टेंट की साइड से एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उस एलिमेंट का रिडक्शन होना चाहिए, वो क्या होगी? डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन होगी। अपन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो इसमें बाय मिस्टेक हो गया, तो इसको अपन देखते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन द करेक्ट कोफिशियंट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द बैलेंस रिएक्शन आर। इन इस रेडॉक्स रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? बैलेंस करने के लिए आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, क्योंकि आपको क्या दे रखा है? एस प्लस आयन दे रखा है। तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखो, रिएक्शन है MnO4 माइनस वन प्लस C2O4 माइनस टू प्लस एच प्लस आयन से किस में जाएगा? Mn प्लस टू CO2 प्लस H2। ये रिएक्शन आपको दे रखी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर पता करोगे कि किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो मैंगनीज यहाँ पे प्लस सेवन में है और प्लस सेवन से किस में आ रहा है? प्लस टू में। तो यहाँ पे इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा, तो ये तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। ऑक्सीलेटाइन CO2 में जा रहा है, तो ऑक्सीलेटाइन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस थ्री, और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस फोर। तो प्लस थ्री से प्लस फोर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी। तो आपको सबसे पहले चेक करना है अगर आप रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हो तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो MnO4 अलग अलग सेपरेट लिख लो, MnO4 माइनस वन है,
Mn प्लस टू, यानी कि प्लस सेवन से पांच इलेक्ट्रॉन गेन करके प्लस टू के अंदर क्या हो रहे जा रहे हैं। तो ये होगी आपकी रिडक्शन। और ऑक्सीलेटाइन है C2O4 माइनस टू, ये CO2 में जा रहा है। तो देखो कार्बन को आप यहीं बैलेंस कर लो, इधर कार्बन की कितने एटम है दो, तो यहां भी आप कार्बन की कितने एटम कर दो, दो, कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को अपन लास्ट में बैलेंस करेंगे, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री है, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन प्लस फोर है। तो देखो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर में अपन चेंज निकालें तो एक का चेंज होगा, लेकिन पर मॉलिक्यूल अपन देखें तो कार्बन के कितने एटम है दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहां पे रिलीज होंगे। तो ये होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपने लिख ली। अब थर्ड स्टेप में क्या करोगे, इसको आप कैंसिल आउट करोगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे कैंसिल आउट करोगे। तो कैंसिल आउट करने के लिए आपको क्या करना, किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली रिएक्शन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे दो से, और दूसरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको पाँच से। तो इसको तो आप दो से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप पाँच से मल्टीप्लाई कर दो, देन आप इनको क्या कर दो आप ऐड कर दो। तो इसको देखो दो से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, टू एम एन और फोर माइनस वन, इसको दो से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा टेन इलेक्ट्रॉन, इधर भी इसको आप पाँच से मल्टीप्लाई कर दो प्लस का फाइव सी टू ओ फोर माइनस टू। रिएक्टेंट के सब मॉलिक्यूल्स प्लस इलेक्ट्रॉन क्या होगे ऐड होगे। अब प्रोडक्ट वाले ऐड करो तो एम एन प्लस टू प्लस टू सी ओ टू प्लस, इसको फाइव से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इसको आप दो से मल्टीप्लाई करोगे तो टू एम एन प्लस टू आ जाएगा, और इसको पाँच से मल्टीप्लाई करोगे तो टू की जगह क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा, यहाँ टेन सी ओ टू प्लस टेन इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या हो गए बैलेंस। यहाँ भी दो मैंगनीज है, इस साइड भी दो मैंगनीज है, कार्बन इधर कितने टेन कार्बन है, इधर भी टेन कार्बन है। अब आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना, तो इधर ऑक्सीजन कितने हो गए टू इंटू फोर एट, और इधर ऑक्सीजन कितने हो गए ट्वेंटी। तो टोटल ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइज कितने हो गए ट्वेंटी एट, जबकि इधर तो ऑक्सीजन है नहीं मैंगनीज के साथ, तो और सी ओ टू में कितने ऑक्सीजन है टेन इंटू टू ट्वेंटी। तो इधर 28 ऑक्सीजन है और इधर 20 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आपको कितने H2 जोड़ने पड़ेंगे 8 H2। जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड आपको उतने H2 के मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे, इधर 8 ऑक्सीजन कम थे तो 8 H2 जोड़ दिया। अब देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी, उधर भी 28 ऑक्सीजन के एटम है, इस साइड भी 28 ऑक्सीजन के एटम है। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन इधर कितने 16, बाकी उधर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आप एक स्टेप में और लिख लो 2MnO4-1 प्लस 5C2O4-2 प्लस कितने हाइड्रोजन होगी 8 × 2 16, तो 16H प्लस 2Mn प्लस 2 10CO2 प्लस 8H2। अब एक बार आप अगेन चेक कर लें कि रिएक्शन बैलेंस हुई कि नहीं हुई, दो मैंगनीज है उस साइड भी दो मैंगनीज है, इधर 10 कार्बन है उधर भी 10 कार्बन है, इधर 16 नाइट्रोजन है उधर भी 16 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन दोनों साइड 28 है। तो देखो एक का कोएफिशिएंट ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, MnO4- का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो A इज इक्वल टू 2, और B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो इसके कोएफिशिएंट देख लो MnO4- का, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट कितना है 5, और H+N का कोएफिशिएंट कितना है 16। तो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट कंबसन ऑफ 0.858 ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स गिव 2.63 ग्राम ऑफ CO2 एंड 1.28 ग्राम ऑफ H2, द लोवेस्ट मोलिकुलर मास ऑफ X कैन बी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है,
तो आपको कंबसन करना है इस कंपाउंड एक्स का, जितना इसका कितना वेट दे रखे है 0.858। तो आपने पढ़ा होगा मोल कंसेप्ट में लास्ट के अंदर एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट, तो उसमें सबसे पहले आपको अगर फॉर्मूला निकालना है तो कार्बन का परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि इस कंपाउंड में कार्बन का कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो आपको फॉर्मूला याद होगा सबको, 12 / 44 × मास ऑफ CO2 / मास ऑफ कंपाउंड × 100। ये तो कार्बन का परसेंटेज निकलेगा। हाइड्रोजन का परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, 2/18 × मास ऑफ H2O, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ पे आपको मिलेगा, H2 में, और नीचे मास ऑफ कंपाउंड × 100। ठीक है, तो देखो कार्बन का परसेंटेज आप निकालोगे तो 12/44 × मास ऑफ CO2, CO2 का मास कितना दे रखा है, अगर इसको आप कंबसन करोगे तो CO2 कितना बन रहा है, 2.63, तो 2.63 / 0.858, ये आपको कंपाउंड का मास दे रखा है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, जो माना कि ए वैल्यू आ गई। ऐसे आप हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालोगे, 2/18 × मास ऑफ H2, H2 का मास कितना है, 1.28 / इसका मॉलिक्यूलर वेट x का 0.858 × 100। तो ये दोनों साइड 100 कर दो आप, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो ये कोई वैल्यू बी आ जाएगी। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। अब अपन मोलिकुलर फॉर्मूला निकालते थे, इम्पीरिकल फॉर्मूला निकालते थे, तो वैसे आपको क्या करना है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला और इम्पीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो ये कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा और ये किसका परसेंटेज आ जाएगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। तो देखो इम्पीरिकल फॉर्मूला निकालते थे एलिमेंट, फिर उसका परसेंटेज, फिर उसका एटॉमिक वेट, फिर परसेंटेज में क्या करते थे, एटॉमिक वेट से डिवाइड करते थे, फिर सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। तो देखो दो एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन आप पुट करते थे, उसके बाद में इनके परसेंटेज आ जाएंगे। तो माना कि इसका परसेंटेज ए है, इसका परसेंटेज बी है, जो आप कैलकुलेट कर सकते हो वहाँ से। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट कार्बन का कितना है, 12 है, हाइड्रोजन का कितना है, 1। अगले स्टेप में क्या करोगे आप, परसेंटेज में एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे। तो परसेंटेज ए आ गया, माना कि एटॉमिक वेट कितना है, 12 है, और हाइड्रोजन का परसेंटेज बी, एटॉमिक वेट कितना है, 1। अब यहाँ पे आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे, इनमें जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है उससे आप डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो निकालेगी, वहां से आपको एक मोलिकुलर फॉर्मूला मिलेगा। उस मोलिकुलर फॉर्मूले का जो एटॉमिक वेट होगा वो इसका आंसर होगा। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 अवोगाड्रो नंबर ऑफ वेट ग्रैम्स इफ 20 ग्रैम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ईच सेकेंड, यानी कि एक अवोगाड्रो संख्या के बराबर गेहूं के दानों को बांटने में कितना समय लगेगा, और टाइम आपको किसने निकालना है, हावर्स में निकालना है, यदि 10^20 दाने प्रति सेकेंड बांटे जाते हैं। तो देखो आप टेन की पावर 20 जो ग्रेन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। एक ग्रेन जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो क्या होगा, 1/10^20 सेकंड। और अवोगाड्रो संख्या के बराबर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने तो कितना टाइम लगेगा,
तो 6 इंटू आओगा ध्रुव, वैल्यू क्या होती है 6.0, 6.0 23 इंटू 10 की पावर 23 होती है। लेकिन अपन थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाए इसके लिए अपन क्या लेते हैं 6 इंटू 10 की पावर 23, तो 6 इंटू 10 की पावर 23 ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना टाइम लगे, तो 1/20 इंटू 6, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 20 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। ये सेकंड में आपके पास टाइम आएगा, तो देखो 10 की पावर 20 है, इधर क्या आएगा 10 की पावर 3, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 6 इंटू 10 की पावर 3 सेकंड। इतना टाइम लगेगा अगर एक अवोगाद्रो संख्या के बराबर गेहूँ आपको क्या करने है डिस्ट्रीब्यूट करने है। लेकिन ये आंसर किस में आएगा, सेकंड में आएगा, लेकिन आपको किस में निकालना है, हावर्स में निकालना है। तो आप क्या करोगे, 1 hours इक्वल टू कितना होता है 3600 सेकंड। तो 1 second बराबर कितना होगा 1 hours अपॉन 3600 सेकंड। तो आप सेकंड की जगह ये पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, हावर्स में आ जाएगा, तो 6 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 3600, ये किस में आएगा हावर्स में। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, नीचे 20 ऊपर 30, तो आप क्या करोगे एक 10 ऊपर बचेगा, नीचे क्या आएगा 16 अपॉन 36 आवर्स। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक बार भाग जाएगा 16 के अंदर 36 का, तो ये 1 point क्या हो जाएगा 1.637 हावर्स। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच च्वाइस हैज वैल्यू ट्वाइस दैट ऑफ द इक्विवेलेंट मास ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कोई रिएक्शन दे रखी है, तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक का जो तुल्यांक की बार है उसका दुगुना मान क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो रिएक्शन देख ली, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है उसे आप क्या कहोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +4, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -2। तो सिंपल सी बात है, ये +4 से किस में जा रहा है 0 में, तो यहाँ इन दोनों में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा किस में, SO2 में, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, तो इसमें n फैक्टर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है, तो n फैक्टर कितना हो गया ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, SO2 का मॉलिक्यूलर वेट, सल्फर का एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन के एक एटम का 16, तो दो का कितना हो जाएगा 32, तो 32 कितना हो जाएगा 64 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 60। तो ये इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट SO2 का इक्विवेलेंट वेट आ गया, और इसका आपको तुल्यांक की बार का दो गुना पूछे, तो इसका 2 times कितना हो जाएगा, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, तो 32 ऑप्शन आएगा, तो जो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 273 केल्विन एंड 1 एटीएम प्रेशर विल बी कंज्यूम इन ऑब्टेनिंग 21.6 ग्राम ऑफ एलिमेंटल बोरॉन फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड बाय हाइड्रोजन। बोरॉन ट्राइक्लोराइड का हाइड्रोजन के द्वारा आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है, तो 21.6 ग्राम बोरॉन आपको प्राप्त होगा। तो पहले आप रिएक्शन लिखो, तो ये बोरॉन ट्राइक्लोराइड है, इसकी हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्शन करोगे, तो बोरॉन प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, मोल कंसेप्ट में जितनी भी बार आप क्वेश्चन करते हो, अगर रिएक्शन का क्वेश्चन करते हो तो इसको आप बैलेंस करो, बैलेंस करोगे तभी आपके क्या आएगा आंसर सही निकलेगा। तो इसको बैलेंस करते हैं अपन, इधर बोरॉन
टू कर दिया, हाइड्रोजन कितने होगी दो है, इधर क्लोरीन कितने सिक्स, इधर क्लोरीन सिक्स करने के लिए छः से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर हाइड्रोजन सिक्स होगी तो यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो रिएक्शन बैलेंस होगी, प्रत्येक एलिमेंट क्या है, बैलेंस है। अब देखो आपको क्या दे रखा है कि BCl3 का हाइड्रोजन से रिडक्शन करते हैं तो बोरोन आपको मिलेगा, और बोरोन के कितने ग्राम आपको ऑब्टेन होंगे, 21.6 ग्राम। तो इसके मोल निकाल लो आप, तो मोल कितने होंगे, 21.6 अपॉन कितना होगा बोरोन का एटॉमिक वेट, 10.8, तो बोरोन के कितने मोल आ गए, दो मोल आ गए, यानी कि 21.6 ग्राम में कितने बोरोन के मोल है, दो मोल है। अब आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन करने पर हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम पूछा है, तो हाइड्रोजन गैस ये रही। अब इन दोनों में कंपेयर निकालो आप, देखो बोरोन के दो मोल से हाइड्रोजन के कितने मोल, तीन मोल के बीच में रिलेशन है, तो देखो दो मोल बोरोन से H2 के कितने मोल, तीन मोल, एक मोल बोरोन से H2 के कितने होंगे, तीन बट्टे दो, और कितने मोल दे रखे हैं, गिवन मोल आपके पास टू है, तो दो मोल बोरोन से H2 के कितने होंगे, थ्री बाई टू इंटू टू, तो कितने होंगे, थ्री मोल। तो हाइड्रोजन के कितने मोल बनेंगे, तीन मोल हाइड्रोजन के मिलेंगे। अब आपको क्या पूछा है, ऑप्शन में दे रखा है एनटीपी पर वॉल्यूम, तो आप हाइड्रोजन गैस का आयतन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एक मोल का एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो तीन मोल का कितना होगा, थ्री मोल का 22.4 इंटू तीन, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 67.2 लीटर, तो इतना वॉल्यूम आपको हाइड्रोजन का ऑप्टेन हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ 0.1 एम ऑक्सैलिक एसिड दैट कैन बी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाय 20 ml ऑफ 0.025 एम KNO4 सॉल्यूशन। ये मोलरिटी दे रखी है, ठीक है, कैपिटल एम का मतलब मोलरिटी, स्मॉल एम का मतलब मोलरिटी। तो देखो पहले रिएक्शन कराओ आप, मैंने एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है, KNO4 है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड क्या हो गया C2O4-2 से क्या आ जाएगा Mn+2 प्लस CO2। अब देखो इसमें चेक करो आप कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो KNO4 में मैंगनीज क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो प्लस सेवन से किस में जा रहा है, ये प्लस टू में, तो रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे, तो इस केस के अंदर क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये प्लस थ्री से किस में जाएगा, प्लस फोर में जाएगा, तो एक ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दो कार्बन के लिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर, दो से इंक्रीज होगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, टू, और इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका एन फैक्टर कितना होगा, फाइव, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका एन फैक्टर कितना होगा, टू। तो इन दोनों के आप ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर लो, तो आपको क्या पूछा है, 0.1 एम ऑक्सैलिक एसिड है जिसके, जिसे 0.025 एम KNO4 विलयन की 20 ml द्वारा पूर्णतया ऑक्सीकृत किया जाता है, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट, इस ऑक्सैलिक एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर दो आप। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KNO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C2O4-2। तो देखो इसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है, 0.025, और इसका एन फैक्टर कितना है, एसिडिक मीडियम में 5, इंटू इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, 20 ml इज इक्वल टू, इसकी ऑक्सैलिक एसिड की मोलरिटी कितनी है, 0.1, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, और इसका वॉल्यूम आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट हटाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ, 10, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा,
VML is equal to 0.025 into 5 into 10. तो VML is equal to क्या आ जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, लगभग 20.5 ml आ जाएगा. तो थर्ड ऑप्शन इज ए करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे 39. देखो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है. वन मोल ऑफ N2H4 loses 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड Y. Assuming that all nitrogen appear in the new compound, what is the oxidation state of N2 in Y? Or there is no change in the oxidation state of hydrogen. यानी hydrogen की oxidation state में कोई change है नहीं है. तो देखो one mole of N2H4. तो N2H4 का एक mole है वो 10 mole of electron क्या करता है, release करता है और एक नया compound Y बनता है. तो Y plus 10 electron. ठीक है, तो सभी के सभी नाइट्रोजन इस जो वाई कंपाउंड है इसमें क्या है, अपीयर है. यानी जितने नाइट्रोजन इस साइड है उतने नाइट्रोजन क्या होंगे, उस साइड होंगे. तो यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, पता होगा आपको, -2. कैलकुलेट करके आप देख सकते हो. तो -2 यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है. 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है. तो यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, तो देखो यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सपोज करो मैं लेता हूं +3, पहला ऑप्शन ले लेता हूं, मैं चेक कर लेता हूं. तो देखो -2 से +3 में आप जाओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, -2 से +3 में 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है. वो तो एक नाइट्रोजन के लिए, आपको पर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने. तो एक नाइट्रोजन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो दो नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा. इसका मतलब यहां नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा, +3 आएगा. जैसे सपोज करो फोर्थ ऑप्शन +5 यहां पे पुट करते हो आप नाइट्रोजन का, तो +5 यहां पे अगर पुट करोगे तो देखो -2 से +5 कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 7 का. तो एक नाइट्रोजन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो दो नाइट्रोजन के लिए कितने का होगा, 14 इलेक्ट्रॉन का. जबकि आपको कितने दे रखे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं. तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर कितने का चेंज होगा, 3 का चेंज. तो यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज मेड अप टू 250 ml. द वॉल्यूम ऑफ 0.1 NaOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन. तो 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड दे रखा है कि जली विलयन को 250 ml तक तनु किया जाता है और इस विलयन के 10 ml, इस सॉल्यूशन का आपको क्या लेना है, 10 ml लेना है और जिसको न्यूट्रलाइज क्या करना है, किसके साथ, 0.1 NaOH के साथ. तो देखो सबसे पहले तो आपको इस ऑक्सैलिक एसिड की नॉर्मलिटी निकालनी पड़ेगी. तो इसकी नॉर्मलिटी आप कैसे निकालोगे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 6.3 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है. देखो मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, उस क्वेश्चन में पूछा था कि क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है. तो उसमें अपने मोल निकाले थे, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना था, 126. तो ये होगी इसके मोल. तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो ये तो आ गई मोल. और इसका एन फैक्टर कितना होता है, 2 ऑक्सैलिक एसिड का, क्योंकि इसमें रिप्लेसिबल हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2. और वॉल्यूम कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 250 ml में दे रखा है. तो इसको लीटर में कन्वर्ट करो, तो 1000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. तो 250 का 1000 में कितनी बार गया, 4 टाइम्स. 6.3 का 126 में 0.02 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल आउट. इट मीन्स इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.4 आएगी नॉर्मलिटी. यानी नॉर्मलिटी आ गई इसकी 0.4 और इसके 10 ml को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर कर लो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C2O4 ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो देखो इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ गई, 0.4 n. तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी है, 0.4 इंटू इसका वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है, 10 ml
इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलिटी कितनी है 0.1 इंटू इसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। तो 0.1 का 0.4 में 4 टाइम्स डिवाइड होगा तो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 ml। ये किसके बराबर आ जाएगा VML के बराबर आ जाएगा। तो ये VML सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम आ जाएगा जो आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मोल आपको कैलकुलेट करने हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो ये हो गया 9.1 × 10⁻³⁹ किलोग्राम। ये तो किलोग्राम में, ग्राम में करोगे तो 10³ से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो एक इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ 1 mole इलेक्ट्रॉन वन मोल इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 9.1 × 10⁻³⁶ × 10⁻²³। तो ये कितना हो जाएगा लगभग 9.1 × देखो ऑप्शन के अंदर आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दे रखे हैं, तो 9.1 × 6 और इन पावर्स को आप क्या कर लो सिंप्लीफाई कर लो, तो 10⁻⁸ आ जाएगा। ये मास आ गया 1 mole इलेक्ट्रॉन का। तो आपको क्या निकालने, मोल निकालने, तो मोल बराबर क्या होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो 1 किलोग्राम के अंदर 1 किलोग्राम दे रखा है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10³ ग्राम और नीचे मास ऑफ 1 mole इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, इसको आपने किलोग्राम में लिया तो इसको भी आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा नीचे, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 9.1 × 6 × 10⁵⁵ ग्राम और ये किस में था किलोग्राम में था, तो 10³ और नीचे क्या आ जाएगा 9.1 × 6 × 10⁵⁵ ग्राम। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 10⁸ अपॉन नीचे क्या आएगा 9.1 × 6। तो ये वैल्यू देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन किस में आ रही है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है मिक्सर ऑफ एक्स। तो मिक्सर ऑफ एक्स में क्या है, 0.02 mole ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड 0.02 mole ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स वॉज प्रिपेयर्ड इन 2 liter सॉल्यूशन। 2 liter सॉल्यूशन के अंदर मिक्सर एक्स के इतने मोल दे रखे हैं और अगेन दूसरे मिक्सर के इतने दे रखे 0.02 mole। अब देखो मिक्सर का, देखो इस क्वेश्चन में देखो आप मिक्सर का, आपको मिक्सर एक्स का आपको 1 liter के अंदर मोल लेने, ये एक्सेस के अंदर है और यहाँ पे वाई बन रहा है। अगेन 1 liter के अंदर मिक्सर एक्स लेना है, एक्सेस में BaCl2 दे रखे हैं, यहाँ पे आपको जेड मोल बनेंगी, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाई और जेड यहां आपको मोल कैलकुलेट करने हैं। लेकिन ये देखो 1 liter मिक्सर के अंदर लेना है, लेकिन ये किसमें, ये जो मोल है 0.02 mole है वो 2 liter के अंदर है, तो 1 liter में कितना होगा या क्या आएगा, देखो इस कॉम्प्लेक्स का ब्रोमाइडाइन आ जाएगा, ब्रोमाडाइन और एक्सेस में क्या है Ag+ ion, यहां पे क्या बनेगा वाई। तो देखो ब्रोमाडाइन, इट मींस ब्रोमाडाइन यहां से आएगा, लेकिन ये क्या है 0.02 mole है 2 liter में, तो 1 liter में कितने होंगे, सिंपल सी बात है डिवाइड कर दो 0.01। ये ले रखा है एक्सेस में, तो जो वाई के मोल है वो किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, इस कॉम्प्लेक्स में ब्रोमाडाइन के अकॉर्डिंग, तो वाई के कितने मोल होंगे 0.01। तो देखो इस वाई के मोल आपके पास क्या आ जाएंगे 0.01 mole आ जाएंगे। अगेन 1 mole ऑफ मिक्सर एक्स, अब देखो 0.02 mole है इस कॉम्प्लेक्स के भी 2 liter में, तो 1 liter में कितना हो जाएगा,
सल्फेट आयन प्लस एजी प्लस आयन, सॉरी यहां हो जाएगा बी ए प्लस टू। ये चेट कंपाउंड बना रहे हैं। तो देखो दो लीटर के अंदर दे रखा, तो एक लीटर में कितना होगा, ये भी 0.01 होगा। ये दे रखा है एक्सेस के अंदर और इसके कितने बनेंगे जेड के, 0.01 मोल। तो वाई और जेड के दोनों कंपाउंड के अंदर वाई और जेड का जो मोल है वो कितना बनेगा, 0.01 और 0.01। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ द कंपाउंड इन विच बोथ द मेटल आर इन द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यौगिकों का ऐसा युग्म जिसमें दोनों धातुओं की अधिकतम संभव ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो देखो यहां पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बहुत सारे। तो देखो इसके अंदर आपको सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयरन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसको आप क्या मानोगे, एक्स प्लस। साइनाइड है तो यहां पे साइनाइड पे चार्ज क्या होगा, माइनस वन, तो माइनस का सिक्स। और चार्ज हमेशा क्या पुट करोगे, आगे पुट करोगे, तो चार्ज ऊपर दे रखा है वो आगे पुट कर दिया, माइनस का थ्री। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस सिक्स कितना हो जाएगा, थ्री। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का थ्री। एज इट इज ऐसे भी आप क्या करोगे, कोबाल्ट सेंट्रल एटम इसको एक्स मान लो, माइनस का सिक्स इक्वल टू माइनस का थ्री। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कोबाल्ट का कितना हो जाएगा, प्लस थ्री। ठीक है, तो ये प्लस थ्री में अगेन ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ पे क्रोमियम को आप क्या मानोगे, एक्स, ऑक्सीजन पे माइनस टू, तो दो पे माइनस फोर, माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सिक्स। तो यहाँ पे क्रोमियम का क्या हो जाएगा, प्लस का सिक्स हो जाएगा। और MnO4- माइनस में मैंगनीज को एक्स मान लो, ऑक्सीजन पे माइनस टू, तो चार पे क्या हो गया, माइनस का एट इक्वल टू माइनस वन। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का सेवन। तो यहाँ पे मैंगनीज का क्या हो गया, प्लस का सेवन, यहाँ पे क्रोमियम का प्लस का सिक्स। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या है, क्रोमियम अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में और मैंगनीज भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। बाकी ऐसे आप दो ऑप्शन और चेक कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं का आप क्या कहोगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहोगे। तो देखो पहला ऑप्शन अपन चेक करते हैं, यहाँ पे जीनोन XeF2 है, यहाँ पे जीनोन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सबको कैलकुलेट करना आता है, प्लस टू। यहाँ पे जीनोन का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो ये भी क्या आएगा, प्लस टू। तो देखो इसमें ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। सेकंड देखो आप, यहाँ पे जीनोन का क्या होगा, प्लस का सिक्स, और यहाँ भी जीनोन क्या है, प्लस का सिक्स, सबको निकालना आता है, ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है, इट मीन्स वो भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। तो सेकेंड ऑप्शन इज ए रॉन्ग। थर्ड XeF6, यहाँ पे जीनोन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स, यहाँ भी बच्चों आप जीनोन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का सिक्स। तो इसमें भी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है, तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। फोर्थ देखो आप, यहाँ पे जीनोन का कितना होगा, प्लस का फोर, और यहाँ पे जीनोन का कितना होगा, प्लस का सिक्स। देखो बाकी जितने भी ऑप्शन है उसमें जीनोन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन यहाँ पे देखो जीनोन का प्लस फोर से प्लस सिक्स, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहां पे देखो ऑक्सीफ्लोराइड है तो यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, प्लस का टू, तो प्लस टू से जीरो, यानी एक दो ऑक्सीजन का प्लस टू, तो एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, प्लस वन, तो प्लस वन से क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसमें हो गया ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को आप क्या कहोगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट ऑप्शन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है,
इन द ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज ए मिक्सर वन मोल ऑफ ईच, यानी इन सभी कंपाउंड, ये जेई मैन के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इन सभी के आपको क्या मोल दे रखे, एक एक मोल दे रखे इन एसिडिक मीडियम, द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4, यानी कि KMnO4 यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इन सभी को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. और वी नो दैट KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता है, 5 होता है. एसिडिक मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर कितना होगा, 5. तो आप ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर लो, इन सबको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा. तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O4 प्लस Fe2C2O4 का होल थ्राइज प्लस FeSO4 और प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइज. इन सब के ग्राम इक्विवेलेंट और KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट को आप बराबर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि KMnO4 के कितने मोल है रिक्वायर्ड है. तो मोल इंटू एन फैक्टर, ये ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है तो मोल तो अपने को कैलकुलेट करने, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5. अब देखो Fe2O4, इसमें आपको एन फैक्टर कैसे निकालना है ये पता करना है. मैं एक एक को ले रहा हूं. तो देखो ये है Fe C2O4. तो देखो इसमें आयरन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें कार्बन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो ये जब ऑक्सीडाइज होंगे तो किस में जाएंगे, Fe+3 और CO2 के अंदर जाएंगे. तो यहां पे प्लस 3 से ये प्लस 2 से प्लस 3 में जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, और इसमें भी CO2 में कार्बन का प्लस 4, तो यहाँ पे एक कार्बन के लिए एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है. तो C2O4 में दो कार्बन है तो दो इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा. तो टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो जाएगा, 1+2, टोटल कितना हो जाएगा, 3. ऐसे आप किस में देखोगे, सेकेंड में Fe2C2O4 का होल थ्राइज. इसमें देखो इसमें आयरन पे क्या है, प्लस 3, तो आयरन तो किसी में नहीं जाएगा अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये ऑक्सीलेट पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2, तो ये किस में जाएगा, CO2 में. तो ऑक्सीलेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3, CO2 में कार्बन का प्लस का 4. तो देखो एक कार्बन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज. लेकिन इसमें देखो इसमें तो दो ही कार्बन थे लेकिन इसमें कितने कार्बन है, 6. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चेंज होगा वो कितने का होगा, 6 का. अगेन FeSO4, तो FeSO4 है तो इसमें Fe+2 है, SO4-2, तो ये सल्फर क्या है, प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये तो अपनी ऑलरेडी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जो Fe+2 है वो किस में जाएगा, Fe+3 में. तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया. तो इसका लिए एन फैक्टर क्या है, 1. और लास्ट क्या है, Fe2SO4 thrice. तो इसमें Fe क्या है, प्लस 3 में, और यहाँ भी Fe क्या है, प्लस 3 में, सल्फर क्या है, प्लस 6 में. तो ये दोनों अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ नंबर ऑफ जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, 0 होंगे. अब सबके आपको नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन पता कर लिए, तो मोल सबका क्या दे रखा है, 1. तो इसका मोल 1 और इसके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3, प्लस इसका मोल कितना है, 1. मोल तो सबके 1 है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6. FeSO4 में नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1. मोल 1 है तो 1 × 1, प्लस इसका मोल भी क्या है, 1 है, इंटू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन 0. तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सबको आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10. 10/5 =
टू। तो नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे KMnO4 के? 2 मोल आएंगे। तो सेकेंड ऑप्शन इज ए करेक्ट। तो ऐसे बच्चों अपन ने 45 क्वेश्चन सोल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा।